विस्तार के पुनर्गठन के बाद होने वाले कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को, नई टीम के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लंच के समय पत्रकार आए थे, सवाल पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव भी यहां नहीं लड़ा, निराशा होगी, फूट होगी, सब बातें कर रहे थे, हम जवाब दे रहे थे। फिर जवाब देते देते मुझे एक चीज याद आई और मैंने कहा, आप सोचिए कोई और पार्टी होती, ये एनसीपी होती, कांग्रेस होती, बीजेपी होती, शिवसेना होती, जो निर्णय कर ले कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और उसके एक महीना बाद अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुला, जहां अगला चुनाव भी नहीं दिख रहा किसी को, कोई एमएलए नहीं दिख रहा, कोई एमपी नहीं दिख रहा, कोई काउंसिलर नहीं, कोई सरपंच नहीं, उनके कार्यकर्ता नेता में से कितने लोग आए? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसका जज्बा है, जिसमें ये निस्वार्थ देश के लिए काम करने की भावना है, जो कि महाराष्ट्र में एक सीट नहीं जीते, विधानसभा चुनाव लड़े नहीं, अगला चुनाव कोई सामने नहीं है, कोई सत्ता नहीं दिख रही, कोई पद नहीं दिख रहा, केवल दिख रहा है तो दिल्ली के अंदर जाने का, जहां इतनी सर्दी है कि तबीयत खराब हो सकती है, और फिर यहां पे लोग आते हैं अपने लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए राजनीति करने की परंपरा जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। महाराष्ट्र के सभी साथियों को मैं सलाम करता हूं। आपको बधाई देता हूं कि जो नई टीम बनी है महाराष्ट्र में, बहुत संतुलित एक ऐसी टीम है जिसमें बुजुर्ग हैं, अनुभव है, गजानन खातू हैं, मीरा सान्याल जी हैं, हमारे तमाम मार्गदर्शक हैं, सुभाष भाई जैसे नेतृत्व है जिसे हिंदी में कहते हैं होश भी है और जोश भी है, दोनों का समन्वय है, तमाम आंदोलनों के साथी हैं, चाहे दलित आंदोलन के साथी हों, खेतीहर कामगार आंदोलन के साथी हों, असंगठित क्षेत्र के साथी हों, भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन के साथी हों, तमाम तरह के प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, चार्टेड अकाउंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर हैं, प्राध्यापक हैं, सब तरह के लोगों का एक समन्वय और संतुलन
जो इस टीम में बना है, इस टीम से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आशा है, बहुत विश्वास है। और जिस भावना से सुभाष भाई ने काम शुरू किया है, जो भावना उन्होंने अभी यहां पे व्यक्त की कि जो जो आज यहां पंडाल में मौजूद नहीं है वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो सब भी हमारे साथ रहेंगे, इस बड़े मन को लेके संगठन बनाने का जो काम यहां शुरू हुआ है, उस काम से और यहां के महाराष्ट्र की इकाई से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उम्मीद है। और उसकी वजह ये भी है, महाराष्ट्र में मैं पिछले 20-25 साल से आता रहा हूं, पता नहीं क्यों दुनिया की कई चीजों में महाराष्ट्र नंबर वन है, उसमें से एक व्याख्यान मालाएं भी है। जितनी यहां व्याख्यान माला होती है उतने पूरे भारत में नहीं होती मिला के, तो वो भी महाराष्ट्र वर्सेस राष्ट्र, महाराष्ट्र आगे है। और उसमें मेरा भी हर साल नंबर लग जाता था, हर साल मैं भी यहाँ एक दो व्याख्यान, कभी लातूर में, कभी औरंगाबाद में, कभी शोलापुर, कभी कोल्हापुर, सब तरफ मैं बोल चुका हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का जो एक अद्भुत संगम है विचार का, रचना का और संघर्ष का, ये अद्भुत संगम बहुत कम जगह पे देश में दिखाई देने को मिलता है। महाराष्ट्र में एक गंभीर विषय पे 500,000 लोग आपका भाषण सुन सकते हैं, दिल्ली में आपको 50-100 लोग जुटाने कठिन हो जाएंगे और बाकी जगह पे भी यही स्थिति है। तो महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का एक अनूठा चरित्र है जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और इसलिए मैं चाहता हूं, मैं सोचता था और मेरी उम्मीद है कि जो काम मयंक भाई ने यहां शुरू किया था, जिस काम में अंजलि बहन, प्रीति बहन ने न जाने कितनी मेहनत लगाई थी और जिस काम को आगे ले जाके आज सुभाष भाई आगे ले जा रहे हैं, वो काम महाराष्ट्र पूरे देश के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन में एक मॉडल बनेगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। आज राजनीति में फुर्सत का क्षण है, ये लोहिया की एक किताब थी, रामन और लोहिया की एक पुस्तक का शीर्षक था, राजनीति में फुर्सत का क्षण, इंटरवेल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, उन्होंने एक किताब लिखी। राजनीति में कभी कभी रोज की भागम भाग, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ज्ञापन, शिकायत, धरना, चुनाव, वोट, इस सबको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एक बार कभी बैठना चाहिए। इसलिए नहीं कि राजनीति से अलग होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि राजनीति को हम और बेहतर करना चाहते हैं। आज ऐसे ही एक क्षण में हम बैठे हैं, ये सींचने का क्षण है। दुनिया में कोई काम अच्छा करना हो, बच्चों को भी बहुत प्यार करना हो, तो कभी कभी बच्चों से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, उसके बाद बच्चों से मिलते हैं तो एक ज्यादा प्यार बनता है अपने ही बच्चों से। तो ये राजनीति का वो क्षण है, थोड़ा सा डिटैचमेंट, 2 इंच अलग होके हम सोचें, ताकि हम अपनी राजनीति को नए विचार दे सकें, राजनीति में नया खाद दे सकें, नया पानी दे सकें। आज का सम्मेलन को मैं इसी तरह से देखता हूं, जहां हम बैठे हैं अपने आप को सींचने के लिए, अपने आप को कुछ देने के लिए। और ऐसे क्षण में मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूं, हम कहां से चले थे, आज हम कहां खड़े हैं और हमें आगे कहां जाना है। कहां से चले थे? चले थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, चले थे जनलोकपाल आंदोलन से, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें समझ आया कि इस आंदोलन के अंदर कहीं कुछ एक गहरी धारा थी। हम सिर्फ रिश्वत का विरोध करने नहीं चले थे, जैसा हमारे साथी ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में 20% मामले, आपने कहा था रवि भाई ने, कि जितनी फोन कॉल आती हैं उनमें से केवल 20% रिश्वत के बारे में होती है। भ्रष्टाचार समाज में बहुत बड़ी चीज है, उसके अलग अलग आयाम है और उसकी जड़ समाज में बहुत गहरी है। तो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन लेके चले, हमारे पास जन लोकपाल का सॉल्यूशन था उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने समझा
कि ये भ्रष्टाचार की पूरी एक व्यवस्था है, करप्शन का एक सिस्टम है, और ये ऊपर के फोड़ा फुंसी को साफ करने से काम नहीं चलेगा। इस भ्रष्टाचार की जड़ जो अंदर है, कैंसर की जो जड़ अंदर है, उसको साफ करना होगा। तो खाली रिश्वत के आंदोलन से हम इस समाज में बहुआयामी भ्रष्टाचार हटाने वाला आंदोलन बने और इसके बहुआयामी आंदोलन भ्रष्टाचार का विकल्प देने वाले आंदोलन बने। हम पहले लोग नहीं थे जिसने भ्रष्टाचार को पहचाना। बहुत लोग जानते थे कि समाज में भ्रष्टाचार है। हमारे आंदोलन में क्या विशेष बात निकली? हमारे आंदोलन ने इस भ्रष्टाचार का विकल्प समाज के सामने देना शुरू किया और इस आंदोलन ने एक ऊर्जा का निर्माण किया जो कि इस भ्रष्ट व्यवस्था का मुकाबला कर सकती है। तो जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, यह आंदोलन केवल भ्रष्टाचार, केवल रिश्वत विरोधी आंदोलन, केवल नेताओं के भ्रष्टाचार का आंदोलन नहीं, यह व्यवस्था के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बना। और विकल्प केवल जन लोकपाल आंदोलन ही नहीं, वहां से आगे बढ़ के स्वराज का विकल्प हमने देश के सामने रखा। इस स्वराज के विकल्प में मैं समझता हूं 5 आयाम हमारे सामने हैं। जो स्वराज का विचार हम कहते हैं, उसमें जैसे जैसे हम थोड़ा और सोचेंगे, उसमें 5 विचार हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं, कभी वक्त मिले तो बात कीजिएगा, कभी मुझे वक्त मिला तो इन 5 बातों पे 5 अलग अलग दिन एक एक बार बोलूंगा, एक एक घंटा। लेकिन अभी एक एक मिनट में 5 बातें कह देता हूं। स्वराज का पहला पक्ष है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अरविंद भाई ने किताब लिखी है, हम सब इसके बारे में बात करते हैं, वो है राजनैतिक स्वराज का। यानी कि राजनीति में निर्णय, लोकतंत्र में निर्णय तंत्र नहीं लेगा, लोक लेगा। यानी लोकतंत्र में निर्णय जनता से दूर, हजारों किलोमीटर दूर नहीं होंगे, जनता स्वयं लेगी। मोहल्ला सभा में निर्णय होंगे, ग्राम सभा में निर्णय होंगे, निर्णय जनता के बीच, जनता की सहमति से और जनता के द्वारा लिए जाएंगे। ये पहला हमारा इसका आयाम है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीयकरण कहते हैं, अकेंद्रीयकरण कहते हैं, जन सहभागिता कहते हैं, वो एक पक्ष है। और आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद इस विचार को दोबारा लेके आई है। दोबारा मैं इसलिए कहता हूं कि महात्मा गांधी का विचार है, ये विनोबा का विचार है, ये जयप्रकाश नारायण का विचार है। उस विचार को आज राजनीति में स्थापित करने वाली एकमात्र राजनीतिक शक्ति है तो आम आदमी पार्टी। ये राजनीतिक स्वराज का पक्ष आया। लेकिन स्वराज के बाकी और पक्ष हैं, 4 और पक्ष हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। आज केवल सूत्र स्वरूप कह दूंगा, बाद में कभी हम बात करेंगे और लंबी इस पे विस्तार से सोचेंगे। दूसरा पक्ष है आर्थिक स्वराज का पक्ष। आर्थिक स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हर अंतिम व्यक्ति को कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने याद दिलाया था कि हर व्यक्ति को एक वोट दे देने से लोकतंत्र नहीं बन जाता। जब तक समाज में विषमता बनी रहेगी, अमीर गरीब का इतना फासला बना रहेगा, तो उस वो कैसा स्वराज होगा, कैसे बन सकता है लोकतंत्र? तो आर्थिक जो स्वराज है, वो सवाल केवल इतना नहीं है कि हम इस देश के हर व्यक्ति तक खाना पहुंचा दें। आर्थिक स्वराज का सवाल, जिसे हम विकास कहते हैं, उसकी पुनर्परिभाषा का सवाल है। विकास का मतलब क्या? आज इस देश में जिसे विकास बताया जाता है, क्या वो विकास है, या कि हमें एक नए तरह के विकास की जरूरत है? जैसा मैंने कहा, आज लंबी बात इस पे नहीं कहूंगा, इस देश के तमाम जन आंदोलनों ने, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बैठक हुई थी पुणे में अभी 1-1.5 महीना पहले, वहां इस पे बात हुई थी कि विनाश नहीं, विकास चाहिए। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या है? एक आम आदमी, आम औरत, अंतिम इंसान की दृष्टि से देखा जाए तो इस देश में विकास किस चीज को कहते हैं, उसकी पुनः परिभाषा आम आदमी पार्टी को करनी होगी। स्वराज का आर्थिक मायने में अर्थ वो होना होगा।
तीसरा सवाल, सामाजिक अर्थ में स्वराज का मतलब क्या होगा? हम इस पे अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक अर्थ में जब स्वराज की हम बात करेंगे, हमें तीन पक्षों पे सोचना पड़ेगा। आदमी और औरत का फर्क, जाति का सवाल और सांप्रदायिकता का सवाल। इन तीनों सवालों पे सोचे बिना, अपना मन साफ किए बिना हम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। इस देश में नर नारी की जो विषमता है, आदमी औरत की जो गैर बराबरी है, और ये जो स्वाभाविक भाषा हम सबकी बनी हुई है कि हर चीज के अंदर आदमी लोग काम करेंगे, आदमी लोग औरतों के लिए कुछ कर देंगे, कुछ एहसान कर देंगे, कोई उनके लिए अच्छा काम कर देंगे, नर नारी के अंतर को जब तक हम चुनौती नहीं देते, जब तक हम हर चीज में सिर्फ ये नहीं कहते कि नारी को बराबर हिस्सा मिले, बल्कि ये कहना शुरू करें कि हिस्सा देने वालों में नारी की उपस्थिति बराबर हो, तब तक वहां स्वराज नहीं पाते। जाति के सवाल पे हमें खुल के ईमानदारी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस सवाल पे इस देश में ईमानदारी से बात नहीं होती, और चूंकि बात नहीं होती तो दो तरह के इस देश में टुकड़े हो गए। इस देश में कई चीजों पे संवाद नहीं होता और लोग बिल्कुल दो तरह की उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। विकास के सवाल पे भी ये है, एक तरफ लोग कहते हैं बस इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हो गए साथी जो प्रतिक्रिया में कहते हैं हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं। दोनों में संवाद करना होगा। आम आदमी पार्टी इस देश में इन सब टूटे हुए खंडों के बीच में संवाद करने वाली पार्टी बने। जाति के सवाल पे एक तरफ खासतौर पे शहरों में, खासतौर पे थोड़ा सा संपन्न वर्गों में एक ऐसी धारणा बन गई है कि मुझे तो पता नहीं मेरी जाति क्या है। इसका मतलब जाति है नहीं, जिस चीज के बारे में मैं नहीं सोचता वो चीज है ही नहीं समाज में। ये तो सच नहीं है। हम ज्यादातर लोग जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी जाति क्या है, वो इसलिए पता नहीं होता क्योंकि वो इतने संपन्न और सुविधाओं में रहे हैं कि उनको अपनी जाति जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसकी प्रतिक्रियावश एक दूसरा तबका ऐसा हो गया है जहां हर चीज में केवल जाति ही जाति नजर आती है, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, और हर चीज में इसमें भी आरक्षण कर दो, उसमें भी आरक्षण कर दो, इसको भी बढ़ा दो, उसको भी बढ़ा दो। इन दोनों विचारों को छोड़ के हमें समाज में जातिगत विषमता क्या है और उस जाति की विषमता को कैसे खत्म करना चाहिए, उसकी दिशा में आम आदमी को बढ़ना होगा। और तीसरा सवाल मैंने सांप्रदायिकता का कहा था, इसके अंदर ये विविधता का देश है, ये सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक साल पहले तक जिन सवालों पे इस देश के मीडिया में चर्चा भी नहीं होती थी, कोई इस लायक नहीं समझता था कि उन बातों पे चर्चा की जाए, आज मुख पृष्ठ पे छपती है वो चीजें। सन 2021 तक इस देश में सब लोग हिंदू हो जाएंगे, जो जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, गॉडसे की मूर्ति लगेगी, धर्मांतरण होगा, धर्मांतरण करने वालों का सम्मान होगा। ऐसी उटपटांग बात कहने वाले एक साल पहले भी थे, कोई उन्हें इस लायक नहीं समझता था कि उन बातों पे टिप्पणी भी की जाए। आज इन चीजों पे टिप्पणी हो रही है। इस देश की 60-65 साल की आजादी के बाद की जो एक उपलब्धि है, उस उपलब्धि को चुनौती दी जा रही है। इस देश की जो बुनियाद है वो 65 साल पुरानी बुनियाद नहीं है, इस देश के आजादी के आंदोलन ने वो बुनियाद खड़ी की थी। 1857 के बगावत से, उसकी क्रांति से वो बुनियाद बनी थी, और एक मायने में पिछले 5000 साल की इस देश की जो बुनियाद है, सब धर्मों को, सब संप्रदायों को एक साथ लेके चलने की, आज उसको चैलेंज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को इस देश की बुनियाद को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सरकार बना लो, मंत्री बना लो, मंत्रियों में दो अपराधियों को रखना है रख लो, लूटने या 2-4 हजार करोड़ रुपए लूट लो, 5 साल बाद चले जाओगे। लेकिन इस देश की बुनियाद को अगर हिलाने की कोशिश करोगे तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और बचाएंगे।
राजनीतिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, सामाजिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज की बात भी करने की जरूरत है। कल वैसे मुझे पुणे यूनिवर्सिटी पे उसको बोलने का मौका मिल रहा है, मैं रखूंगा इस सारे मामले को। फिर यहां पे दो भेद हो गए पिछले दो चार महीनों से, हर तरह की उटपटांग चीजें चल रही हैं। कोई कहता है कि मैं ऐसी टेक्स्ट बुक लिखूंगा जिस व्यक्ति को किसी बच्चे के लिए कभी टेक्स्ट बुक लिखनी नहीं चाहिए, उसकी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब की जा रही है। कोई साइंस कांग्रेस में जाके कह रहे हैं कि इस देश ने 5000 साल पहले रॉकेट भी बना दिए थे और सब कुछ बना दिया था, और उसकी प्रतिक्रिया में बाकी लोग कह रहे हैं कि ना ये तो दकियानूसी बातें हैं, इससे पूरा देश डूब जाएगा, परंपरा वगैरह में बड़ा खतरा है, इससे बचो और सिर्फ और अंग्रेजी से देश बच जाएगा। नहीं, हमें इस देश की देशज परंपराओं को, हमें इसको सम्मान करना है, इस देश की संस्कृति की रक्षा करनी है। इस देश की संस्कृति, ये पिछले 2-3 महीने से जो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, इनकी थाली में इस देश की संस्कृति को हम नहीं रख सकते। इस देश की विरासत बहुत गहरी विरासत है। तुकाराम इस देश की विरासत है, नामदेव इस देश की विरासत है, कबीर और नानक इस देश की विरासत है। इस देश की विरासत ये पिछले 50 साल से या पिछले 100 साल से उठपटांग हरकत करने वाले लोग नहीं है, और हमें इतना जल्दी से इस देश की विरासत को छोड़ देने की जरूरत नहीं है डर के मारे। इस देश की विरासत पे हमें अपना कब्जा रखना है, इस पे अपना दावा रखना है। और इस देश की विरासत में कितनी कुछ धाराएं हैं, कितना कुछ महान है, उसको लाना है और बचाना है। बार बार खासतौर पे अपने दिल्ली में अंग्रेजी बोलने वाले रेडिकल दोस्तों से मैं कहता हूं, भाई एक एक करके सारी चीज तुम बीजेपी की थाली में मत रखते जाओ। हिंदू को बीजेपी की थाली में, राष्ट्रवाद को बीजेपी की थाली में, ये सब रख, और संस्कृति भी बीजेपी की थाली में, ये सब रखोगे तो हमारी थाली में बचेगा क्या? इस देश के लिए लड़ना है हमारे को तो संस्कृति के सवाल पे सांस्कृतिक स्वराज एक बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ दूसरे देशों के विचारों की नकल करना, अंग्रेजी बोल बोल के एक दूसरे को इम्प्रेस करना, भारतीय भाषाओं की हत्या करना, ये इस देश की संस्कृति नहीं हो सकती। हमें बचाना ही जैसा मैंने कहा, आप कभी मौका देंगे तो इनमें से हर सवाल पे एक एक दो दो घंटा कभी मैं बोलूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा वो करने में। पांचवां सवाल हमारे स्वराज का, वो है हमारे संगठन के भीतर स्वराज। हम सारी दुनिया को स्वराज की शिक्षा दें और हम अपने घर में स्वराज ना करें, ये नहीं चल सकता। ये आम आदमी पार्टी वॉलंटियर के खून पसीने पर बनी हुई पार्टी है। ये कोई 10 जनपद से पार्टी नहीं बनी है, ये कोई नागपुर से बन के नहीं आई है, ये कोई एसजीपीसी के पैसे पे नहीं चलती है पार्टी। ये पार्टी वॉलंटियर के खून पसीने पे, ये पार्टी वॉलंटियर के त्याग पे, ये पार्टी सपनों पे चलती है। और अगर ये पार्टी उन सपनों का सम्मान नहीं करेगी, वॉलंटियर की उस बात का सम्मान नहीं करेगी, तो कैसे हम एक पार्टी बनाएंगे? इस देश की तमाम पार्टियां किसी ना किसी एक परिवार की जेब में आ गई है। महाराष्ट्र की तो हर पार्टी के बारे में मोटे तौर पे कह सकते हैं, कुछ परिवार की जेब में और बाकी व्यक्तियों की जेब में। हमें इस देश के सामने एक मॉडल रखना है कि बिना किसी व्यक्ति और परिवार की जेब में रखे हुए इस देश में अच्छी और सच्ची और सक्षम राजनीति की जा सकती है। इसलिए भी मैं महाराष्ट्र में आप सबके बाजू की तरफ देखता हूं, आप सबसे सीखना चाहता हूं। तो मैंने कहा था बात हम इस पे करेंगे कि हम क्या करने के लिए निकले थे, आज कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो हम करने के लिए निकले थे उसकी अगर हम ध्यान से व्याख्या करें, कई बार होता है ना, हम चल देते हैं, चलते चलते कुछ कुछ करते रहते हैं, फिर एक दिन आता है थोड़ा बैठ के खड़े होकर सोचते हैं, अच्छा मैं क्या कर रहा था। मैं समझता हूं जो हम कर रहे हैं उसमें ये 5 अंश कहीं ना कहीं है। आप जब भी बैठेंगे थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, हो सकता है आप इसमें कोई 6वां अंश भी निकाल दे, मुझे बताइएगा, लेकिन ये 5-6 अंश हमारे काम में रहे, करते करते हमें समझ आया है। तो हमारा काम ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बदल के एक बहुआयामी स्वराज को स्थापित करना हमारी चुनौती है, ये काम करने हम निकले थे। आज हम कहां हैं?
ये काम करने के लिए हमने राजनीति शुरू क्यों की? हमने राजनीति शुरू इसलिए की क्योंकि राजनीति हमारा युग धर्म है। कभी कभी हम लोगों को समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई मजबूरी में करना पड़ा, बहुत गंदी चीज थी, करना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में राजनीति के लिए इतनी घृणा है कि उनसे संवाद स्थापित करने के लिए हमें सब करना पड़ता है। लेकिन सच बात यह है कि राजनीति, अगर आप अपने इस टारगेट के प्रति सच्चे हो, अगर आपके मन में आग है कि नहीं कोई औरत, या दूसरा समझ लीजिए ये आग है कि कोई औरत शाम ढलने के बाद अपने घर से निकलते वक्त डर ना महसूस करे, आप एक दिन एनजीओ चला लो, दूसरे दिन आंदोलन चला लो, अगर आप में सच्ची आग है तो तीसरे चौथे साल के बाद आपको राजनीति करनी पड़ेगी। इसलिए राजनीति योग धर्म, और चूंकि राजनीति योग धर्म है, चूंकि राजनीति इस देश में सबसे बड़े काम करने का अनिवार्य औजार है, इसलिए इस देश के सबसे बड़े बदमाश, सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े ठग राजनीति में जरूर आएंगे, और इसीलिए इस देश में बदलने की इच्छा रखने वाले आदर्शवादियों को, संतों को, इस देश के सब सच्चे अध्यात्म वाले लोगों को, और मैं महक भाई की तरफ देखता हूं कई बार, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। महक भाई, आप सब लोगों को राजनीति में आना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं, इसलिए राजनीति हम करें, और कम से कम अगले 50 साल के भारत की सबसे बड़ी क्रिएटिव फोर्स है, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। इस राजनीति की यात्रा में हमने अभी बहुत छोटे कदम लिए हैं। पिछले 2 साल का आरसा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत लंबा दिखता है, स्वाभाविक है। बच्चे को लगता है, मेरा बेटा जब 5-6 साल का था तो एक दिन उसने मुझे कहा कि जब मैं बच्चा होता था तब मैंने ये किया था। हमारी भी आजकल ये स्थिति है, 2 साल के तो हम हैं और हम सोचते हैं कि जब हम थे, जब हम 1 साल के थे, जब मैं बच्चा होता था तब मैंने किया, उसके बाद तो मैं निराश हो गया, उसके बाद ये हो गया, वो हो गया। तो जैसे मेरे को अपने बेटे की बात सुन के हंसी आती थी, वैसे ही मुझे हमारी बातें सुन के हंसी आती है। अभी तो खाली 2 साल के हम हैं, जस्ट शुरू ही तो हमने किया है, बहुत लंबी यात्रा पे हम निकले हैं। उस लंबी यात्रा में अगर उतार और चढ़ाव ना आए तो समझिए वो वास्तव की यात्रा नहीं है, फिर आपको कोई कमरे के अंदर झूला दे रहा है। सच्ची यात्रा में उतार आता है, चढ़ाव आता है, जोर से पटकनी भी मिलती है, नाक भी घिसी जाती है, आगे भी चलना पड़ता है। अगर ये नाक घिसी जाए ना 2-4 बार, एक आधी कोनी छिल जाए, हड्डी टूट जाए, तो एक बात का भरोसा हो जाएगा कि मैं सच्ची यात्रा कर रहा हूं, ये कोई फिल्मी यात्रा नहीं कर रहा। पिछले 2 साल में दोस्तों हमने वो सच्ची यात्रा की, हमने वो दिन भी देखे हैं जब लगता था पांव के नीचे जमीन नहीं है, आसमान के ऊपर पांव चलते हुए हमने देखे हैं, जैसे बादल के ऊपर पांव हमारे होते थे, था ना। और वो दिन भी देखे हैं जब घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, देखे हैं ना हमने, हमने सच्ची यात्रा की है, सबने सच्ची यात्रा की है, सब कुछ मिला है, सीखा है, और जुमा जुमा 2 साल के तो हुए, क्या बड़ी बात है, और सीखेंगे, सीखेंगे नहीं तो कहां से आएंगे। एक चीज हमने हासिल कर ली है, मैं बार बार दोस्तों को कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करना एक रॉकेट को लॉन्च करने जैसी मामला है। आपने देखा होगा हवाई जहाज कभी भी चलता है, उसके बारे में ये गिनती विनती नहीं होती है, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 2.5, यूं करके देख रहे हैं। रॉकेट में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रॉकेट केवल 2 ही तरह चल सकता है, या तो सीधा ऊपर जाता है और आपके ग्रेविटी के बैरियर से बाहर निकल जाता है, ठाक करके बाहर निकल जाता है, या फिर वो यूं जाता है और 4th सेकंड के बाद नीचे 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 खत्म। पॉलिटिकल पार्टी बनाना बिल्कुल यही खेल है, या तो आप ठक करके बाहर निकल जाएंगे या आप नीचे आके औंधे मुंह करेंगे। आम आदमी पार्टी की सबसे अनूठी उपलब्धि ये थी, और उसके लिए हम सबको हाथ उठा के अरविंद केजरीवाल का सैल्यूट करना चाहिए कि पहले हमारा जो दिल्ली का चुनाव था जिसमें हमारी अग्नि परीक्षा थी,
उस पहले ही चुनाव में हम थक करके बाहर निकल गए, नहीं तो इस देश में सैकड़ों हजारों पार्टियां बनी है, आपको मेरे को नाम भी याद नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि जो पार्टियां फेल हो गई उसमें गंदे लोग थे, बहुत अच्छे लोग भी हुआ करते थे वहां। इस आम आदमी पार्टी के रॉकेट जो लॉन्च हुआ, क्योंकि रॉकेट कभी भी हवाई जहाज जैसा नहीं होता कि धीरे 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 चढ़ा, वो चलता है। आम आदमी पार्टी की ये एक उपलब्धि थी कि उसने वो जो ग्रेविटी का पुल था उसको तोड़ा। वो ग्रेविटी का पुल क्या है? पैसे का, साधन का, हमारे यहां जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसका, कि या तो आप सफल हो गए नहीं तो आप खत्म हो गए। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहले ही चुनाव में अपने आप को उस जो वो जो पुल था गुमनामी का, कि नीचे आओगे गुमनाम हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कब्र में दफन हो जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें, उससे आम आदमी पार्टी बच गई। लेकिन उससे बाहर निकलते ही हम और ऊपर नहीं चढ़ पाए, उसके बाहर निकलते ही हम एक ऑर्बिट में आ गए, हम घूम रहे हैं, उतना ऊपर नहीं चढ़ पाए जितना हम कर रहे थे। अब हमें एक सेकेंड इंजन की जरूरत है। हमेशा रॉकेट में यही होता है, आप एक बार ग्रेविटी पुल से बाहर निकल गए, फिर एक ऑर्बिट में जाके आप प्लेस हो जाते हो, उसमें घूमते रहते हो, फिर एक और इंजन फायर होता है तो फिर आप नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हो, कम से कम आप जमीन पे आके नहीं गिरते। आम आदमी पार्टी उस स्टेज वन और स्टेज टू के बीच में चल रही है। पहला हमने कर दिया है और दूसरा हम 5 हफ्ते के बाद करेंगे। चुनाव था, ये जो लोकसभा का चुनाव था उसमें हमने क्या हासिल किया? अखबार और मीडिया के हिसाब से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, खत्म हो गए। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई, और कई बार क्या होता है, अखबार इतना लिखते हैं कि हम भी उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। कई चीजों में हम अखबारों को देख देख के अपने बारे में राय बनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी के बारे में राय अपनी आंख से बनानी चाहिए, अखबार को पढ़ लेना चाहिए मनोरंजन के लिए, लेकिन अपने बारे में राय तो कम से कम, ऐसा तो नहीं होता ना, आप कभी अपने बारे में, अपनी पत्नी या बच्चे के बारे में राय न्यूज़पेपर पढ़ के बनाते हो? नहीं बनाते ना। तो अखबार पढ़ के हम अपने बारे में राय क्यों बनाते हैं? लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक अनूठा काम किया। हमने 430 कैंडिडेट खड़े किए। मैं इस देश के कई विकल्प के प्रयोगों में पहले रह चुका हूं, असफल प्रयोग में रह चुका हूं। गजानन खातू जी हमारे साक्षी हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं भाई सुभाष लोमटे को देख रहा हूं, कई हमारे साथी इस प्रयोगों में साक्षी थे। इससे पहले कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट में मैं रह चुका हूं जी, मेरी यही एक क्वालिफिकेशन है कि मैं सक्सेस से पहले कई फेल्योर का हिस्सा रह चुका हूं। कोई मुख्य धारा की पार्टियां नहीं थी, ऐसी पार्टियां थी जिनका नाम भी नहीं पता होगा, और ये आदर्शवाद के कई प्रयोग हुए थे इस देश में, मैं शामिल था उनमें से। उनकी अधिक से अधिक उपलब्धि ये थी कि कभी 10 कैंडिडेट खड़े कर देते थे, कभी 12 कैंडिडेट खड़े कर देते थे। 430 जगहों पे कैंडिडेट खड़े करना अकल्पनीय था इस देश के वैकल्पिक राजनीति के आंदोलन में। और 430 ऐसे वैसे नहीं, सच बात यह कि दिल्ली में जब टिकट हो रहे थे तब तो कुछ पता भी हमें नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने देश में घूमा है, उसमें से कई साथी आज हमारे बीच में बैठे हैं। इस देश के सार्वजनिक जीवन के बिल्कुल हीरे जैसे लोग हैं, जहां जहां गया लोगों ने हमारे कैंडिडेट से बाद में परिचय करवाया। कुछ मैं चुनाव के समय भी गया था, चुनाव के बाद भी गया, और मैं कह सकता हूं लगभग हर केस में, 100 में तो नहीं कहूंगा, झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन 100 में से 90 केस के अंदर जब जब हमारे उम्मीदवार से परिचय करवाया गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। मुझे लगा ये आम आदमी पार्टी चुनाव, अपने इलाके का सबसे ईमानदार अफसर, अपने इलाके का सबसे संघर्षशील कार्यकर्ता, अपने इलाके का आदर्शवादी नवयुवक, अपने इलाके का संघर्षशील कार्यकर्ता, अपने इलाके के मॉडल जो थे,
उसको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार की तरह उतारा। वोट कितने मिले मीडिया के हिसाब से? कुछ नहीं मिले। 1,13,00,000 वोट मिले। आप ऐसा सोचिए, मैंने वोट की तरह नहीं देखता। देश में आंधी चल रही थी, उस आंधी में 1,13,00,000 लोग अपने आंख के ऊपर हाथ रख के गए और कहा ना सिर्फ झाड़ू देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। ये जो 1,13,00,000 थे, ये तो आपके कम से कम आधे वॉलंटियर तो थे, उनको तो जाके उनके घर पे मंबरी दे देनी चाहिए भैया, जो आप इस आंधी के अंदर भी आप आम आदमी पार्टी को ढूंढते हुए गए, झाड़ू को ढूंढते हुए जो बटन दबा के आए, आप तो अपने आप आधे वॉलंटियर तो हो इस पार्टी के। करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको उस आंधी में विश्वास दिया। और कार्यकर्ता न्यूनतम से न्यूनतम मैं सोचता हूं, क्योंकि बड़बोलापन करना नहीं चाहिए, आप कोई मीडिया के लिए करने रहे, आपस में बात कर रहे हैं, जिस तरह के साथी यहां बैठे हैं, कम से कम 1,00,000 लोग इस देश में हैं, 1,00,000 वॉलंटियर ऐसे। और मैं उनकी बात नहीं कह रहा जो पोलिंग बूथ वाले दिन जाके बैठ गए थे, वो तो हम किसी दोस्त को करके कर देते हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार में अपना घर दुकान काम बिजनेस का घाटा उठा के अपनी जेब से पैसा देके घर से कुछ गालियां सह के इस पार्टी के लिए काम किया, कम से कम 1,00,000 ऐसे पागल लोग देखे। उन्हें पागल कह लीजिए, उन्हें बेवकूफ कह लीजिए, उर्दू में ज्यादा सुंदर शब्द है दीवाना, ये दीवाने। 1,00,000 दीवानों की फौज खड़ी की है इस पार्टी ने। देश और दुनिया बनाने का काम वो जो बस और ट्रक के अंदर भर भर के 1-1, 2-2 लाख की रैली करते हैं, वो 1-2 लाख देश दुनिया नहीं बदलते हैं। देश दुनिया को हमेशा पागल लोग बदलते हैं, समझदार लोग नहीं बदलते हैं, दीवाने लोग दुनिया को बनाते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कुछ भी हो, लेकिन एक यकीन दिला सकता हूं मैं आपको कि आज से 20 साल बाद जो हिंदुस्तान बनेगा, वो बनाने में इन 1,00,000 दीवानों को जिसने इस पार्टी ने खड़ा किया है उनका हाथ जरूर है। हम उनके काबिल रह पाए ना रह पाए, ये हमारी परीक्षा है। हमें उस लायक बनना होगा कि उन दीवानों के काबिल हम बन सके, उन दीवानों को हमारे नेतृत्व में आस्था हो सके, हमें उसके काबिल बनना है। लेकिन इस पार्टी ने वो खड़ा किया है, इस पार्टी ने उन सवालों को इस देश में खड़ा किया है जिसको उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब अडानी और अंबानी के बारे में इस देश का हर पत्रकार जानता था। ये जो रॉबर्ट वड्रा वाली फाइल थी, ये हमारे पास तो आखिर में आई थी, देश के 5 बड़े पत्रकारों के पास पड़ी रही और एक बीजेपी के बड़े लीडर जो आज मंत्री हैं, इनकी टेबल पे पड़ी रही है फाइल, हिम्मत नहीं हुई इनका नाम लेने की। आम आदमी पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा साहब, दिल्ली के बहुत बड़े इस देश के वकील भी माने जाते हैं, मंत्री हैं, उनकी टेबल पे पड़ी रही है फाइल, फाइनली वो व्यक्ति ने झक मार के कहा कि तुम्हारे हिम्मत नहीं है करने की, मैं अब जाके अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण को दूंगा ये फाइल, तब ये नाम निकलते हैं। जिन बातों पे लोग बात नहीं करते थे, हिम्मत नहीं करते थे, उन सवालों को इस पार्टी ने उठाया, वो सवाल इस देश के अंदर उठने शुरू हुए। पेट्रोल का प्राइस कैसे होता है, गैस का प्राइस कैसे बनता है, अगर आम आदमी पार्टी ना होती, अरविंद केजरीवाल ना होते, प्रशांत भूषण ना होते, तो कोई सवाल उठाता कि गैस $4 से $8 की कैसे हो गई? कोई सवाल उठाता कि सीबीआई डायरेक्टर किसकी हाजिरी भर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने इस देश को हिम्मत दी है वो सवाल उठाने की, जो उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। और ये जो दीवाने हैं, इस उम्मीद में काम करते हैं कि हम खत्म हो जाएं, पर ये जो सवाल हम उठा के गए हैं, ये सवाल जिंदा रहे, कोई ना कोई जवाब दे। तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, चुनौती भी मिली। मैं ये सिर्फ इतना नहीं कहूंगा, लोकसभा चुनाव में हमने सिर्फ हासिल ही हासिल किया, लोकसभा चुनाव के बाद हमें और इस देश को बहुत बड़ी चुनौती मिली है, और वो चुनौती है नरेंद्र मोदी।
मुझे मुंबई में बोलने का मौका मिला था, पुणे में भी बोलने का मौका मिला था, तो अपनी सारी बात तो दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ दो चार सेंटेंस में अपनी बात कह देता हूं कि ऐसा मत समझिए कि नरेंद्र मोदी अचानक कहीं से आ गए हैं और अपने आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र इस देश की व्यवस्था में जिसे कांग्रेस और कांग्रेसियों ने बनाया था, इसमें तीन तरह की बड़ी चिंताएं थी, तीन वैक्यूम थे, तीन शून्य थे, उन तीनों का फायदा उठा के नरेंद्र मोदी यहां आए। चिंता थी कि क्या इस देश के नेता ताकतवर हैं, निर्णायक हैं, इफेक्टिव लीडरशिप इस देश में है कि नहीं। चिंता यह थी कि इस देश की ग्रोथ की किसी को फिक्र है भी कि नहीं। और चिंता यह भी थी कि इस अपने ही देश में रह के हम अपनी कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सम्मान से बात कर सकते हैं कि नहीं। नरेंद्र मोदी ने इन तीनों चिंताओं को पलट के अपनी तरफ इस्तेमाल किया। अगर आज आप नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हिंदुस्तान के सपने को बचाना है, तो इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको विरोध करने के लिए सिर्फ सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा, उनका विरोध करने के लिए केवल उनपे वैसे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा जैसे कल उन्होंने अरविंद भाई पे लगाए हैं, उनका विरोध करने के लिए इन तीनों चिंताओं का हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमें देश के सामने नया विकल्प देना पड़ेगा। और वो विकल्प जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, राजनीति के बारे में स्वराज का विकल्प, आर्थिक विषयों पे विकास की एक नई परिभाषा का विकल्प, और संस्कृति में एक नई देशज लेकिन विविधतापूर्ण संस्कृति का संकल्प हमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है। और बड़ा मौका इसलिए है कि इस देश में सत्ता पक्ष तो मजबूत है, लेकिन आज इस देश में विपक्ष ना मौजूद है, गैर मौजूद है, दिखाई नहीं देता, विपक्ष में शून्यता है। नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई भी मुकाबला करेगा, ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तो मुकाबला नहीं कर सकती। संसद के अंदर विपक्ष करना इन्हें आता नहीं, यों भी 44 लोग हैं, कभी कभार संसद को रोक लेते हैं, और कुछ नहीं आता इन्हें। और संसद के बाहर सड़क पे क्या करना चाहिए, ये तो बेचारों ने 50-60 साल से किया ही नहीं है, बोल गए, इनके हड्डी में इनके डीएनए से बाहर निकल गया है, तो वह तो इन्हें आता नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के साथ जो कर रहे हैं और जो करेंगे, जिसकी अभी कुछ कुछ झलकियां मिलनी आपको शुरू हुई हैं, ये भूमि अधिग्रहण बिल में जिस तरह की चीजें आई हैं, जो माइंस वाले बिल में आ रही हैं, जो मजदूरों के साथ करने वाली है सरकार, उसका मुकाबला करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो झेलने की क्षमता चाहिए, वो कांग्रेस और कांग्रेसियों में तो है नहीं। और जब मैं कांग्रेस कहता हूं, उसमें आप एनसीपी और इन सब चीजों को शामिल मान लेना, ये सब कांग्रेस के घराने के परिवार के लोग हैं, तो उस एक ही थैली के हैं सब ये, तो कांग्रेस और कांग्रेस खानदान में तो हिम्मत है नहीं इसका मुकाबला करने की। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियों के नाम पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, ये मुलायम सिंह, ये लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति का पॉजिटिव विरोध नहीं कर सकते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इस देश को बताने के लिए, इस देश के सामने नया एजेंडा देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। आम आदमी पार्टी को अगले 5 साल में या 4.5 साल में इस देश का सबसे ताकतवर, सबसे प्रिंसिपल्ड और सबसे ऊर्जावान विपक्ष के रूप में उभरना है। जैसा हो अगले 4.5 साल में इस देश में विपक्ष में जो शून्य है, इस वक्त वैक्यूम है विपक्ष में, और अगर आप में ऊर्जा होगी, आप में अगर ऊर्जा होगी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस देश का सबसे प्रमुख विपक्ष बनने से। हमारे 4 ही MP संसद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष संसद के भीतर नहीं होगा, संसद के बाहर करना होगा, क्योंकि वैसे भी ये सरकार ऑर्डिनेंस से चल रही है, ये सरकार संसद के अंदर तो चल नहीं रही है, संसद के बाहर हो रहा है वहां भी, इसलिए विपक्ष भी संसद के बाहर करना होगा। और इस लैंड ऑर्डिनेंस से शुरू होते हुए
हमें एक विपक्ष का, सशक्त विपक्ष की एक भूमिका लेनी होगी। तो अपनी दूसरी बात से तीसरी पे मैं आ ही चुका हूं, हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और अब क्या करना है। अब क्या करना है, हमें इस देश में प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन बनके और इस देश में वैकल्पिक राजनीति का सबसे बड़ा वाहक बनना है। देखिए, वैकल्पिक राजनीति का मतलब राजनीति के विकल्प नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं करो, पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है। पहले हमारे आंदोलन में छोटी सी धारा यह भी हुआ करती थी और मुझे उससे बड़ा डर लगता था, क्योंकि राजनीति के विकल्प का मतलब है डिक्टेटरशिप को आमंत्रण, राजनीति के विकल्प का मतलब है लोकतंत्र का विकल्प, वो बड़ी खतरनाक चीज है। वैकल्पिक राजनीति का मतलब राजनीतिक विकल्प भी नहीं है। समाजवादी पार्टी गई, बहुजन समाजवादी पार्टी आ गई, कांग्रेस गई बीजेपी, बीजेपी गई कांग्रेस, ये तो राजनीतिक विकल्पों का खेल है। वैकल्पिक राजनीति का मतलब है एक ऐसी राजनीति जिसका चरित्र, जिसका विचार, जिसका संगठन, जिसकी संस्कृति आज की स्थापित राजनीति से बिल्कुल अलग हो। आम आदमी पार्टी उस तरह के एक वैकल्पिक राजनीति का नमूना बन के देश के सामने आएगी। वो बनने के लिए हमें इस देश में वैकल्पिक राजनीति का संगठन खड़ा करना है, विचार खड़ा करना है, उसके लिए ऊर्जा का संचय करना है। विचार की बात मैंने आपको कही, कई बार हमारे मन में इंपेशेंस होता है। हमारे कई साथी मुझसे मिलते हैं, कहते हैं इस विषय पे, फॉरेन पॉलिसी पे हमारी क्या पॉलिसी, अभी तक बताया नहीं आपने, आर्थिक नीति के बारे में तो बहुत बात बार बार होती रहती है। मुझे भी कई बार झुंझलाहट होती है, कभी कभी मेरे मन में भी असंतोष आता है, फिर मैं याद दिलाता हूं यार सिर्फ 2 साल के तो हैं। किसी बने बनाए आइडियोलॉजिकल पैकेज को ले आए, उससे अच्छा है कि हम कुछ दिन बिना किसी पैकेज के जी लें। हम संघर्ष करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, जरूरत हो तो एक दूसरे से झगड़ेंगे। हम अलग अलग विचार के लोग आए हैं, एक दूसरे से झगड़ेंगे और जो विचार अंत में बनाएंगे वो भारत के लिए 21वीं सदी की नई विचारधारा होगी। बार बार पूछा जाता है आप लेफ्ट हो के राइट हो, आप ये इष्ट हो या वो इष्ट हो, मैं कहता हूं कौन से हैं ये तो मैं नहीं जानता कि हम क्या हैं, पर मैं ये पक्का जानता हूं कि ये सब तो हम नहीं है। ये जो बने बनाए 20वीं सदी के पैकेज आए हैं, ये मार्क्सिस्ट और ये सोशलिस्ट और ये राइटिस्ट और ये फला इस्ट और फला इस्ट, कई किसी नाम के साथ जुड़े हुए गांधीज्म और ये किस्म, मैं कहता हूं और कुछ हम भले ही हों, इनमें से कोई रेडीमेड पैकेज तो हम नहीं। हम संघर्ष कर रहे हैं, 20वीं सदी के विचार 20वीं सदी में काम आ चुके हैं, अब 21वीं सदी को अपने लिए एक नया विचार गढ़ना होगा। और ये आम आदमी पार्टी इस देश के लिए प्लेटफॉर्म है 21वीं सदी का नया विचार गढ़ने के, उसकी प्रक्रिया में हम हैं, नया संगठन बनाने की प्रक्रिया में हम हैं। तो हमें क्या काम करने हैं, नया विचार गढ़ना है, नया संगठन बनाना है। सुभाष भाई ने कहा कि दिल्ली एकमात्र जगह है जहां बूथ लेवल तक संगठन बन गया है। मैं चाहता हूं 1 साल बाद सुभाष वारे ये कह सकें, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बूथ लेवल तक संगठन बना। बूथ लेवल तक संगठन जब तक आपका नहीं बनेगा, तब तक आप दूसरों के चरित्र पे उंगली उठाते रहिए, कहते रहिए अमर्यादित हैं, कहते रहिए रिश्वतखोर हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, कुछ भी कहते रहिए, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबले के लिए आपको सच को ऊर्जा जुटानी होगी। आम आदमी पार्टी की हिंदुस्तान में एक ही उपलब्धि है, मैं आपके सामने सच कह रहा हूं और ये मुझे पता है कैमरा वैमरा लगा हुआ है, फिर भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम इस देश के सबसे पहले ईमानदार लोग आए हैं। हमसे पहले भी ईमानदार लोग आए थे और जो कहते हैं ना मुझसे बेहतर कहने वाले बाद में भी आएंगे। आम आदमी पार्टी की अगर उपलब्धि है अगर, तो ये है कि हिंदुस्तान में
सच्चाई को ताकत के साथ जोड़ने वाली शक्ति पैदा की है हमने, और वो ताकत कहां से आएगी? आपके बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। बूथ लेवल पे सच्चाई की ताकत पैदा करना, वो उपलब्धि है इसकी। इससे पहले संत कई थे, पहले बहुत बेहतर संत थे। तो सच्चाई की ताकत हमें हर बूथ पे पैदा करनी होगी, ये संगठन हमें खड़ा करना होगा। मानव भाई बैठे हैं, आपको जिम्मेवारी मिली है यहां तमाम तरह के दूसरे संगठन खड़ा करने की। किसानों का किसान आंदोलन इंतजार कर रहा है एक नए किस्म के किसान आंदोलन की। इस देश का श्रमिक आंदोलन पुराने तरह के श्रमिक आंदोलनों से तंग आ चुका है, उसे एक नए किस्म के न्यू जनरेशन ऑफ लेबर मूवमेंट की इस देश में जरूरत है। इस देश में विद्यार्थियों के पुराने किस्म के संगठन थक गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब एक नए किस्म का विद्यार्थियों का संगठन खड़ा करने की जरूरत है। और इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों के मंच पे साड़ी बैठ के शोभा बढ़ाने वाले महिला संगठन अब खत्म हो चुके हैं और खत्म हो जाने चाहिए। अब इस देश में नारियों का एक ऐसा संगठन बने जो नारी के महत्व को, उसके विचार को, उसके नेतृत्व को इजाजत को इज्जत देता हो, उसको सम्मान देता हो। ये सब करने की हमारे पास जिम्मेवारी है। तो संगठन बनाने की जिम्मेवारी है, विचार बनाने की जिम्मेवारी है, लेकिन ये सब करने के लिए हमें स्पेस कहां से मिलेगा? अपनी ऑर्बिट को थोड़ा और ऊपर बढ़ाने से मिलेगा। इस टाइम हम एक ऑर्बिट में हैं, इसमें परमानेंटली इस ऑर्बिट में नहीं रह सकते, धीरे धीरे करके वो चीज नीचे आती है। इसलिए अब आपको एक रॉकेट और फायर करके अपने आप को ऊपर वाली ऑर्बिट में ले जाना है, और वो मौका है दिल्ली के चुनाव का। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहूंगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई जनसभा नहीं है। मैं अपने साथियों को पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, मैंने 20-25 साल और कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही धंधा किया है मैंने, चुनाव देखना और दिखाने का धंधा किया पूरे देश को। मैं इस कमरे में आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतिहास रचने की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने लोकसभा के चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, क्योंकि हमें पता था लोकसभा के चुनाव में हमारी चुनौती दूसरी थी, वो एक अपना नेम रिकॉग्निशन बढ़ाने की चुनौती थी। और आज से 2 महीना पहले भी मैं कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा डेफिसिट था जो हमें कवर करना था, बहुत पीछे थे भाई। लोकसभा चुनाव में हमारी बहुत बुरी हार हुई थी दिल्ली में, लेकिन पिछले 6 महीनों में अरविंद भाई के नेतृत्व में दिल्ली की इकाई ने, दिल्ली के संगठन ने कमाल का काम किया है। हम सबको सलाम करना चाहिए उस संगठन को, कमाल का काम किया है उन्होंने। और पिछले 4 हफ्ते में अब जो मयंक भाई कह रहे थे, अब शिफ्ट होना शुरू हो, एक बार एक क्रिटिकल टिपिंग सा मोमेंट आता है जिसमें यूं एकदम झुक जाता है। स्थिति ये थी कि दिल्ली के जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनमें हमारी पार्टी पहले से ही आगे थी, लेकिन मध्यम वर्ग और ये जो ओपिनियन मेकिंग क्लास है उसमें हम बहुत पीछे चल रहे थे। और शुरू में तो इतने हॉस्टाइल थे कि सवाल पूछो तो वो काटने को दौड़ते थे, ऐसी स्थिति थी, हमें याद है, वो सब भी दिन हमने देखे हैं। लेकिन पिछले 3-4 हफ्ते से माहौल बदला है। मैं ये दावा आपके सामने आज भी नहीं कहूंगा कि मिडिल क्लास में हम नंबर 1 हो गए हैं, शायद अभी भी हम नहीं हुए हैं, लेकिन अब वहां मुकाबला शुरू हो गया। पहले हम मुकाबले में भी नहीं थे, और मिडिल क्लास में अगर हम मुकाबले में भी रहते हैं तो बाकी 65% दिल्ली के जो लोग हैं वो हमें चुनाव जितवा देंगे। वहां हमें बस बराबर करने की जरूरत है। वहां हम अगर कुल मिला के बराबरी पे भी मामला छूट गया तो दिल्ली के 2/3 लोग तो गरीब लोग हैं, दिल्ली के गरीब लोग आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, लेकिन मिडिल क्लास से हमें न्यूट्रलाइज करवाना पड़ेगा, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है पिछले 4 हफ्ते में, और उस प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा मोड़ कल आया। मेरा बस चले तो मैं प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भिजवाता हूं।
कल हम सब लोग सुबह 12 बजे बैठ गए और सच बात है कि मैं भी थोड़ा नर्वस था कि अगर कोई एक दो मेजर अनाउंसमेंट आ गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में, केंद्र सरकार उनके हाथ में है और वो कोई अनाउंसमेंट कर सकते थे। स्टेट हम बैठ के कर रहे थे, स्टेट हेड की अनाउंसमेंट आ गई तो क्या करेंगे हम इत्यादि। लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पे निकलते हैं तो आपको अचानक पता नहीं कहां से मदद मिल जाती है। कल ऐसा ही दिन था। एक रैली की सफलता 3 चीजों से नापी जाती है। एक, शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा था हम दिखा देंगे, पिछले 4 हफ्ते से हम ऊपर उठ रहे थे और मेरा तो काम है इन चीजों को मॉनिटर करना, तो मैं आपको बता सकता हूं 4 हफ्ते से हम कॉन्स्टेंटली ऊपर उठ रहे थे और हम सब लोग कह रहे थे कि जब मोदी प्रचार में उतरेंगे और जब अमित शाह की मशीनरी उतरेगी, जब पैसा उतरेगा, बेशर्मी उतरेगी, तब हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। तो कल पहला उसका इम्तिहान था, शक्ति प्रदर्शन था और बीजेपी ने कहा था 1.25 लाख लोग हम वहां पे उतारने वाले हैं। 2,800 बसें उन्होंने हायर कर ली थी, दिल्ली की हर बस को उन्होंने हायर कर लिया था और कुल मिला के जमीन पे, हम नहीं कहते, पत्रकारों ने टेलीविजन पे बोला है, आज सुबह दिल्ली के हर अखबार में लिखा है, 25,000 से 30,000 लोग वहां पे आए। और जो आए वो रेस्पॉन्सिव नहीं थे। आपको टीवी के ऊपर बीच बीच में जो मोदी मोदी सुन रहा था वो उसके ऊपर वॉइस सुपर इम्पोज की हुई थी फुटेज पे, वो जमीन से नहीं आ रहे। ये इसी तरह के खेल करते हैं, हमें पता होना चाहिए। कोई भी आप, हमारे कार्यकर्ताओं को सच पता होना चाहिए, बीजेपी की रैली में जनता के जो शॉट आपको दिख रहे थे वो कोई चैनल के पास अपना कैमरा नहीं था, वहां किसी चैनल को परमिशन नहीं थी अपना कैमरा ले जाने की। बीजेपी अपने कैमरा लेके अपनी पसंद के क्राउड को दिखा के सारी चैनलों को वो फुटेज सप्लाई कर रही थी और सारी चैनल जी हुजूर करते हुए उस फुटेज को चला रही थी। अगर आपने चेक करना हो अगली बार कोई रैली हो मोदी जी की, 4 अपने चैनल अपने सामने खोल लेना, चारों में हूबहू वही फोटो आपको दिखाई देगी। और कल फाइनली एक चैनल ने माना और उसका मैं सम्मान करता हूं, एबीपी ने फाइनली रन करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से। तो सारी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये 100% फैक्ट है। नरेंद्र मोदी की किसी भी रैली में किसी भी इंडिपेंडेंट चैनल को अपना कैमरा लगाने की परमिशन नहीं होती। नरेंद्र मोदी का क्या चेहरे का एंगल होगा ये नरेंद्र मोदी का मीडिया मैनेजर तय करता है, इस देश की कोई चैनल तय नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद इस सच को वो झुठला नहीं सके कि जनता ने रेस्पॉन्स नहीं किया। दूसरा, रैली में क्या होता है, रैली में आप नेता को स्थापित करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, पता लगता है कि अब से इस संगठन को ये व्यक्ति लीड करेगा। कल कौन व्यक्ति प्रोजेक्ट हुआ? दो लोग हुए साहब, कोई नहीं मत कहिए, एक वेंकैया नायडू। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा दिल्ली को जो व्यक्ति सबसे अच्छा जानता है उसका नाम है वेंकैया नायडू। इसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने वाले। ये हुआ, दिल्ली के एक नेता के बारे में उन्होंने एक वाक्य नहीं बोला, तो वेंकैया नायडू स्थापित हुए। और दूसरे व्यक्ति जो स्थापित हुए, जो मंच का संचालन कर रहे थे, उनका नाम है रमेश बिजुड़ी। मैं उनके बारे में ज्यादा किस्से बताने लगूंगा तो ये मंच थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप पता कर लीजिएगा, दिल्ली में कोई कुछ भी जानता है तो उससे पूछना है रमेश बिजुड़ी कौन है और क्या करते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये तीसरी चीज होती है रैली में कि आप एक नया विचार स्थापित करते हैं, आप नया एजेंडा देते हैं, नया पॉलिसी देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, इसीलिए रैली होती है। कल पता नहीं क्या हुआ, प्रधानमंत्री बहुत उखड़े उखड़े से थे, आपने देखा होगा, बोलने से पहले तो खास तौर पे बहुत ही उखड़े थे, बीच बीच में 5-7 मिनट के लिए फिर उनमें वो ऊर्जा आ गई थी, फिर फुस हो गए थे। मैं सोच रहा था किस बात पे नाराज, किस बात पे है, क्या मंच पे जो लोग बैठे हुए थे उनसे नाराज थे, क्राउड नहीं आया इस बात से दुखी थे, या कि पहली बार लगा कि जो हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में हो गया, जम्मू में हो गया, यहां शायद नहीं हो।
जिसको हिंदी में कहते हैं उनको अपनी तोड़ मिल गई है, अपनी काट उन्हें दिखाई दे रही थी और वहां आत्मविश्वास हिल रहा था। कोई एजेंडा नहीं आया, दिल्ली के किसी बड़े सवाल पे कुछ नहीं बोले और प्रधानमंत्री की गरिमा से नीचे होके कई बातें बोले। कहा कि जिन लोगों को जो काम आता है उनको वो काम देना चाहिए, जिन लोगों को धरना आता है उन्हें धरना करने देना चाहिए। मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी ज्यादा जोर से मत बोलो, लोग कहेंगे जिसे भाषण आता है उसे सिर्फ भाषण देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश में झूठ की फैक्ट्री चल रही है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सच्ची बोली हमारे प्रधानमंत्री, और उनसे बेहतर कौन जानता है। 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डिपॉजिट होने वाले थे। आपने अच्छा कहा असत्य के प्रयोग, असत्य के प्रयोग तो वहां हो रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री चल रही है। गरिमा से नीच, और उन्होंने पूछा कि इस देश में आज तक कोई नेता हुआ है जिसने अपने आप को अराजकतावादी कहा हो। मैंने मीडिया को कहा जी हुआ था, वो गुजरात से ही था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। प्रधानमंत्री किताबें नहीं पढ़ते तो देश को बड़ा नुकसान हो जाता है, अपने राज्य की तो पढ़ लिया करें कम से कम। तो खैर ये तो सब हंसी मजाक की बात है। जो खूबसूरत क्षण था कल का वो ये था कि प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा से चार तले नीचे उठ के बोल रहे थे, और जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं किसी व्यक्तिगत आक्षेप का ना तो जवाब दूंगा ना उन पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की शिक्षा के बारे में बात करूंगा, स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा, रोजगार के बारे में बात करूंगा, महंगाई के बारे में बात करूंगा, भ्रष्टाचार के बारे में बात करूंगा, बिजली और पानी के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में किसी ने बात करनी है तो कर लीजिए। मयंक भाई आप गलत कह रहे थे। मयंक भाई ने कहा कि बीजेपी ने 30 करोड़ लगाया और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 3,000 रुपए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चला लिया। संयोग यह कि मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे पास चाय बनाने के लिए उस टाइम पत्ती और चीनी नहीं थी, तो उन्होंने तो आया मेरे पास कि सर ये तो चाय नहीं पिला सकते ही पत्रकारों को। मैंने कहा छोड़ो ना यार, कौन चाय पिलाएगा इनको। तो हमने प्योर फोकट में किया है वो काम, 3,000 रुपए। तो साहब हमने टोटल फोकट में किया था वो काम, एक पैसा नहीं, चाय भी नहीं। आमतौर पर उनको कागज के मग में चाय पिला देते हैं, कलम वो भी नहीं पिला पाए मीडिया वालों को। तो टोटल फोकट में हमने अपना काम किया था। एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ केजरीवाल थे, दिल्ली देख रही थी, पूरा देश देख रहा था। आपका ये जो पोस्टर कहता है फर्स्ट दे इग्नोर यू, शीला दीक्षित कहती थी ना अरविंद केजरीवाल कौन है, मैंने तो नाम नहीं सुना, कुछ महीने बाद सुन लिया फिर उन्होंने लाफ एट यू, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, ये भी स्टेज थी। देन दे फाइट विद यू, कल वो स्टेज आ गई। बीजेपी के सारे नेता उस पूरी रैली के ऊपर एक भूत मंडरा रहा था, आम आदमी पार्टी, हर कल गुस्सा था, हर कल कुछ कह रहा था। और फिर क्या होता है, देन यू विन, तो दोस्तों then you win। बस अब 4 हफ्ते हैं और ये 3 शब्दों को हमें सार्थक करना है, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं पूरा आपको भरोसे से आपकी आंख में आंख डाल के कह रहा हूं, मैं पार्टी की तरफ से मेरा काम है इन चीजों को मॉनिटर करना, और बिना सोचे और बिना आंकड़ों के कुछ बोल नहीं रहा हूं और ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर हम दिल्ली में इतिहास बनाने जा रहे हैं, बस आपको मानना है। तो दोस्तों मिलके मेरे साथ कहिए, लड़ेंगे, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद योगेंद्र भाई। दो मिनट बैठिए। आज के बाद आप लोग एक काम कीजिएगा, हमें किसी की सफलता पाने हैं तो दो चीज करनी पड़ती है। एक तो 50% अपना जो एफर्ट लगाना है, और दूसरी बात जो है, सब जन बैठिए प्लीज। दो मिनट। दूसरी बात, आज से दोस्तों सम्मेलन जारी है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसकी गरिमा बनाए रखें, और मैं यहां से नहीं जा रहा हूं, सब साथियों से मिलकर रात 8 बजे निकलूंगा, लेकिन आप बैठ जाइए। आज से आप एक काम कीजिएगा, सवेरे मंदिर जाइए या मस्जिद जाएंगे, चर्च में जाएंगे, एक बार दुआ सिर मांगना कि दिल्ली जीतना है। नहीं तो हम इलेक्शन तक हम सोएंगे नहीं, हम सिर्फ सोएंगे, सिर्फ दिल्ली में सोएंगे, मुंबई नहीं। Okay.